वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक। आज आपके सामने हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम आपको इस गीत की व्याख्या करवाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रथम पद्यांश है इस गीत का, पथ रास्ता, पंथी राहगीर मुसाफिर यात्री, जल्दी जल्दी तेज गति से। व्याख्या शुरू करने से पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई है। यह कविता या यह गीत हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। इस कविता में कवि समय की परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डालता है। व्याख्या देखो, हो जाए न पथ में रात कहीं, कि रास्ते में ही कहीं, पथ मतलब रास्ता, कि रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल गंतव्य स्थान की, जो गंतव्य स्थान है जहां पहुंचना है वो स्थान भी दूर नहीं, अर्थात पास ही है, यह सोच कर थका हुआ दिन का पंथी, दिन का राहगीर, दिन का मुसाफिर, पथिक यात्री भी जल्दी जल्दी चलता है, कि वो उसके कदमों में तेजी आ जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश में या इन पंक्तियों में कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब उसकी मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय या अपने प्रेमी के पास पहुंचने वाला है, तब उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में ही रात न हो जाए, उसे लगता है कि उसकी मंजिल भी अब दूर नहीं है, अतः यही सोचकर दिन भर का थका हुआ पंथी अर्थात यात्री जल्दी जल्दी चलने लगता है, उसके कदमों में तेजी आ जाती है, प्रिय मिलन की आतुरता बेचैनी के कारण उसे प्रतीत होने लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। यह आपके पद्यांश की व्याख्या थी। काव्य सौंदर्य और भाषागत विशेषताएं देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता के अनंतर मंजिल के सभी पहुंच चुके यात्रियों की प्रिय मिलन की आतुरता को प्रकट किया है, कि मंजिल के नजदीक पहुंचने पर जो यात्री होता है उसमें प्रिय मिलन की जो आतुरता होती है, बेचैनी होती है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, गीति शैली का प्रयोग हुआ है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द की दो बार एक जगह आवर्ती हो तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगले पद्यांश की व्याख्या देखें। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा आशा में, नीड घोसला, झांकना उचक्कर देखना, पर पंख चंचलता तीव्रता। प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ में हम एक पंक्ति और जोड़ सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वात्सल्य प्रेम को दर्शाया है। वात्सल्य प्रेम होता माँ का अपने बच्चों के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं, तो इसमें वात्सल्य प्रेम को भी दर्शाया गया है। व्याख्या देखो, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, कि बच्चे
आशा में होंगे, आशावान होंगे और वो अपने घोंसलों से उचक कर देख रहे होंगे। यह ध्यान, यह चिंता, यह सोचकर, यह विचार करके परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है कि इन बातों को ध्यान करके, इन बातों पर विचार करने पर चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाकर तेजी से उड़ने लगती है, अर्थात उसकी उड़ान में, उड़ान की गति में तेजी आती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात समय परिवर्तनशील है। चिड़िया अपने बच्चों के पास जल्दी जाना चाहती है। तो एक बार फिर देखो, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें उसकी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है, वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूं लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढल रहा है, दिन बहुत तेज गति से ढल रहा है। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। प्रेम मिलन, ये बच्चों के प्रेम से मिलन है, यहाँ पर वात्सल्य प्रेम दिखाया गया है। काव्य सौंदर्य और भाषागत विशेषताएं देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता के अनंतर चिड़िया की ममता के रूप में वात्सल्य भाव को अभिव्यक्ति प्रदान की है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है, वात्सल्य रस का परिपाक हुआ है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगले पद्यांश की व्याख्या देखिए। अगला पद्यांश अंतिम पद्यांश है इस गीत का। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर्मे विहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल विकल शब्द का अर्थ है बेचैन व्याकुल। मैं हूं किसके हित, हित वास्ते किसके लिए, चंचल गतिशील, यह प्रश्न स्थिल, स्थिल का मतलब ढीला मंद धीमा, करता पद को कदमों को पैरों को, भरता उर में उर हृदय में विह्वलता है आतुरता बेचैनी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये आपके शब्दार्थ थे, प्रसंग वही रहेगा। कवि इसमें अपने वियोगी हृदय का वर्णन करता है क्योंकि उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। व्याख्या देखो, मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए अपने मन में चंचलता या व्याकुलता बेचैनी रखूं कि किसके किसको मिलने के लिए मैं आतुर हूं, यह प्रश्न, यही सवाल, यही प्रश्न स्थिल करता पद को, यही मेरे कदमों की गति को धीमी कर देता है, मंद करता देता है, भरता उर में विह्वलता है और मेरे हृदय में एक प्रकार की बेचैनी व्याकुलता भर देता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि समय परिवर्तनशील है और वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। फिर देखो, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है जो उससे मिलने के लिए व्याकुल हो, फिर उसका चित्त, उसका हृदय किसके लिए चंचल हो, उसके मन में किसके प्रति प्रेम की तरंगे जागे, यह प्रश्न उसके कदमों को स्थिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात को सोचकर वह ढीला पड़ जाता है, उसके हृदय में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खो दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। भाषागत विशेषताओं में देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता के अनंतर अपने अकेलेपन पर दुख प्रकट किया है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, जल्दी जल्दी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, तो
तो प्रश्न पूछा गया, इसलिए प्रसन्ना अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपकी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या यही समाप्त होती है। आपको कविता की व्याख्या लिखनी है और स्मरण करनी है। धन्यवाद।